हाँ जी मसाला हमारा भून गया। दूध भी यहाँ पे बॉईल हो गया है। ठीक है, मेरा भी खाने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि बना ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी ब्यूटी फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुशबाश हूँ और हैप्पी हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग में, जो है ना आज शाम का खाना है ये हमारा। और शाम के खाने में दिल कर रहा था कि दाल खाएं। ठीक है, तो साथ में कुछ मीठा भी हो, तो हमने सोचा कि आज दाल बनाते हैं और साथ में बनाते हैं मीठी सेवइयां। तो किस किस को पसंद है, आप लोग भी बनाते होंगे अपने घरों में। जाहिर है आम घरों में, सब घरों में यही बनता है, घर में बनता है, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं ब्लॉग की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना काम। स्टार्ट कर लेते हैं जी। आज हमारे ना सुबह से अचानक दोपहर में गैस चली गई, हालांकि जाती नहीं है और अचानक चली गई, तो शुक्र है आ चुकी है। मैंने भी अभी देखा है कि गैस आ गई है। ठीक है, तो शुक्र है आ गई है। तो कुकर मैंने रख दिया, कुकर में बनाऊंगी, चटपट बन जाएगी, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें डालती हूँ बाकी मसाले, क्योंकि कुकर में पका दिया तो भुगोने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको वॉश कर, माश की दालें हैं। तक हमारा प्याज होता है तो हम साथ में सेवइयां बना लेते हैं। चूल्हा चला देते हैं, दूध डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलायची डाल देते हैं। इलायची से आपको पता है फिर टेस्ट अच्छा आता है। मिर्च डाल देंगे, सब टमाटर भी साथ में डाल देंगे। मसाले मैंने नमक मिर्च हल्दी और ये जो है ना गरम मसाला, सूखा धनिया वगैरह लिया है। मसाला हमारा भून गया है तो दाल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध भी यहाँ पे बॉईल हो गया है। ठीक है, तो अभी हम इसमें सेवइयां डाल देंगे। ये हमारे पास सेवइयां पड़ी हुई हैं, ये वाली सेवइयां हैं, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, सेवइयां बन रही हैं, साथ सब्जी दाल हमारी बन रही है। ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी बन गई है। पानी डाल देते हैं इसमें। आज दिल बड़ा उदास उदास सा है, सुबह से ठीक हुई घर की टेंशन, उसी में फंसी हुई थी। ठीक है, तो आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी परेशानी दूर करे, अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर करे। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। तो काफ़ी टेंशन बनी हुई थी तो उस वजह से दिल काफ़ी परेशान है। आज सोच रही थी वीडियो ना बनाऊँ, छुट्टी कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि बस बना लेते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ अपनी परेशानी शेयर करते हैं। तो क्या पता कि आप लोगों की दुआएँ हमें लग जाए। कुकर मैंने बंद कर दिया है, दाल रख दी है, 5 मिनट में दाल बन जाएगी। ठीक है, तब तक हम बाकी चीज़ें समेट लेंगे। इधर हमारी सेवइयां भी माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं और ये देखेंगे कितना अच्छा कलर आ रहा है।
और इसमें हम ये डाल देंगे अपने मेवे से। हमारी दूध वाली सेवइयां जी तैयार हो गई हैं और चूल्हा हम कर देते हैं बंद। ये देखिए जी कितनी मज़े की लग रही हैं। और इस तरह की आज मेरा भी खाने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि बना ले। ठीक है तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं इसका। आटा भी भूनना है और भी बर्तन भी धोने वाले हैं और बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है, बच्चों के कल से पेपर शुरू हो रहे हैं तो उनको भी तैयारी करवाई है। तो बहुत सारे काम हैं, कमरे में भी काफ़ी ज़्यादा है ना, बुक्स बच्चों की बिखरी हुई है। देखो बच्चे पढ़ रहे थे, अभी बच्चे बैठे हुए थे पढ़ रहे थे, अभी छोटा झूले देने गया हुआ है तो अपनी बहना को। तो जी घर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे जो है ना बिज़ी रूटीन होती है। एक छोटी बच्ची है उसको संभालना होता है, उसके साथ रात को जागना होता है तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो आप लोगों के घर में क्या चल रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आजकल जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, सर्दी चली ही गई है तकरीबन, हुए हैं बारिश आएगी और फिर जी अच्छा मौसम हो जाएगा कुछ। हाँ जी तो ये मेरा बेटा है, ये इसको कि आज तबीयत ख़राब है, इसको बुखार हुआ हुआ है। बेटे सलाम करो। हाँ शाबाश, वालेकुम अस्सलाम। तो कैसी तबीयत है अभी आपकी? गले में दर्द है, इससे आज खाना भी नहीं खाया जा रहा, इससे बोला भी नहीं जा रहा। तो जी अल्लाह पाक सेहत दे इसको, तंदुरुस्ती दे जी सबके बच्चों को, किसी को भी कुछ ना हो। सवैयाँ हमारी हो गई हैं तो बर्तन ये वाला मुझे चाहिए, तो मैंने सोचा ये उसमें से सवैयाँ निकाल लें। कवर कर देंगे। हमारी दाल माशाल्लाह से बन गई है तो देखिए जी दाल अच्छी तरह गल भी चुकी है, कलर भी आ गया है, तरी भी आ गई है। बस इसको मैं हल्का सा ये दूंगी दम सा और हमारी दाल तैयार है। शाम का हमारा खाना तैयार है तो शाम का खाना खाते हैं। तो जिस बहन बहन ने हमारे साथ आके खाना खाना है वो खाना खाए हमारे साथ आके, मोस्ट वेलकम। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉग में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।